तू? आजा, मैं बैठा हूँ तेरे सामने। आजा, सवाल करूँगा। अरे ओ देशद्रोही, आज वही उद्धव बैठा है, कहाँ छुप गया? हेमा मालिनी के बंगले में है, कंगना रनावत के बंगले में है, या पौने दो आंख के हॉस्पिटल में है? मुकदमा अभी दर्ज हुआ नहीं हुआ? गिरफ्तार हो गया नहीं हुआ? अच्छा, तो इस सरकार पे थूकता है भारत, उसका तो पूछता है भारत एक चैनल है, वो था एक एपिसोड, और हमारा तो पूरा भारत है, तो इस सरकार पे थूकता है भारत आज। अभी तक वो अरेस्ट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि पीएमओ उसकी जेब में है, जजों को वो खरीद लेता है। पुलवामा आर्या कौन सा हमला है, बालाकोट, उसका 3 दिन पहले से उसे पता था। क्या होगा, एयर स्ट्राइक हो रही है पाकिस्तान में, 2 दिन पहले से उसे पता था। तो कौन उसकी कही हुई बात सच हो गई है कि पीएमओ उसकी जेब में है? ये लीक कैसे हुई? ये किसने की? देश के चौकीदार ने लीक की है? ये प्रधानमंत्री जिम्मेवार है, जवाब देना पड़ेगा। और अभी नहीं देंगे तो सत्ता बदलेगी। हमने तो पहले ही कहा है, इस देश में लोकतंत्र है ही नहीं, इस लोकतंत्र की तो हत्या कर चुके हैं ये लोग। ये तो तानाशाह बनना चाह रहे हैं, हिटलर बनना चाह रहे हैं। जो भी कोई सवाल करेगा उसे देशद्रोही कहा जाएगा। जो भी कोई पूछेगा बच्चों ने स्ट्राइक की नौकरी के लिए, वो देशद्रोही हो गए। किसी मजदूर ने, किसान ने, उसने की नौकरी वाले ने, वो देशद्रोही हो गए। किसान आए अपने हक के लिए, ये देशद्रोही हो गए। खालिस्तानी हो गए, टुकड़े टुकड़े गैंग हो गए, माओवादी हो गए, नक्सली हो गए। कि जिसको भी नोटिस इस सरकार से मिले, समझ लेना वो पक्का देशभक्त है। बहुत बढ़िया। पुलवामा का जो अटैक हुआ, के अभी तक देशद्रोही बाहर क्यों है और राष्ट्रभक्तों को नोटिस क्यों है, ये पूछना चाहता है भारत। इसलिए इस सरकार पर थूकता है भारत। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हम कोई देशद्रोही हैं? हम देशद्रोही हैं? अरे देश का इतना बड़ा राष्ट्र पर्व है, हम क्यों ना मनाए? अगर हमने पर्व नहीं मनाया तो हमें पाकिस्तानी कहेंगे। हम तो मनावेंगे, हर साल मनावे, आप कब मनाओगे? मोदी जी मना रहे तो आपको कहाँ जरूरत है? क्यों मोदी मना रहा? हमारा मोदी का खाया हमारे पेट में आ जाएगा, हमारा खाया तेरे पेट में चला जाएगा। तो जो भी होगा पूरा देश मनाएगा और खुशी खुशी मनाएगा। किसान है, तिरंगा लेके चलेगा, आप भी आ जाना। अरे सर्टिफिकेट मिलेगा देशभक्ति का और देशद्रोही का, तू भी पहुंच जाइयो भैया पत्रकार सारे। कभी थारे पे भी आ जा दे वो उसका, क्योंकि तीन चार पत्रकार पंजाब में आ गया नोटिस। हाँ। थारे पे भी आओगा, इसलिए हमारे साथ चलना, देशभक्ति का सर्टिफिकेट मिलेगा, एक कख्त में भी दिलवाऊंगे। अगर मैं महाराष्ट्र का कोई पद पे होता तो अब तक ये अर्णव गोस्वामी, वो कौन सी जेल है जिसमें वो रहा था, वो वहाँ की महाराष्ट्र की जो जेल है, जैसे ही ये निकला था, लीक हुआ था, उसके 1 घंटे के अंदर इसका चैनल भी बंद होता और इसका पूरा खानदान उसमें होता और जितने सफेद पोश हैं, भाई साहब 3rd degree का इस्तेमाल कराता और जितने सफेद पोश हैं, 1 घंटे के अंदर पूरे देश की मीडिया बुला के, वर्ल्ड की मीडिया बुला के सबके नाम उजागर कर देता, देश को पता चलता इसके नाम पे AS है। अरे किसके पास है? अमित शाह के पे। आहा तड़ीपार, तड़ीपार आया, तड़ीपार। मैंने पहले ही कहा था, अपराधी अगर गृह मंत्री होगा तो इस देश का क्या होगा? ये मोदी का जो एक सपना था वो इसने पूरा किया,
कि एक साल के अंदर संसद को अपराधी मुक्त कर दूंगा। और इसने क्या किया कि जितने अपराधी थे एक साल के अंदर सारे संसद में चले गए। तो विश्वास मत करना कोई भी मोदी पे कि जो कहता है उसका उल्टा करता है। वो बोलता था अपने उसमें बैठ के, उद्धव आजा, मैं बैठा हूँ तेरे सामने, आजा सवाल करूंगा। अरे ओ देशद्रोही, आज वही उद्धव बैठा है, कहाँ छुप गया? हेमा मालिनी के बंगले में है, कंगना रनावत के बंगले में है, या पौने दो आग के हॉस्पिटल में है, या तड़ी पार के बंगले में है? आज निकालो बाहर, बॉम्बे की पुलिस ढूंढ रही है कहाँ है। और बता दूं आपको, देख लेना दिल्ली के किसी मंत्री के बंगले में होगा। देखिए उनका एक रिश्तेदार पे आरोप है तो दोनों रिश्तेदार कैसे बोल जाएंगे उनके मामा और फूफा। एक मामा है सुधीर चौधरी और फूफा है वो अरे नहीं इंडिया रजत शर्मा, वो भी बहुत बुला बुला के जनता की अदालत लगावे है। अब के जनता की अदालत उसकी लगेगी। और जज कोई भी हो सवाल करने को मुझे बुला लेना, अगर वो यहाँ रह जाए हिंदुस्तान में तो गर्दन काट देना, ऐसे सवाल करूँगा। वो कहता था ना पंगा मत लेना, पंगा तो अब तुझे पता चलेगा देशद्रोहियों के रिश्तेदार खुद देशद्रोही है, अब उसे पता चलेगा कि वो महाराष्ट्र की पुलिस है। और मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ भारत सरकार से कि इनकी पुलिस, तुम अभी मेरे जेब में 50 ग्राम कोई जो नारकोटिक्स में बैन है वो चीज रख दो छुपा के किसी के भी जेब में, इनकी सारी एजेंसी उसे तुरंत पकड़ ले, तो फिर ये देशद्रोही क्यों नहीं पकड़ा गया अभी तक? वहाँ पे जो पुलवामा में हमला हुआ था वहाँ 300 किलो RDX आया, 40 जवान शहीद हुए, आज तक पता चला कहीं? कहाँ है भैया वो NIA की जांच? कहाँ गई? देखिए क्या है देश के लोग बता रहे हैं, मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं है। और चौकीदार ही चोर है, चोर है। मैं नहीं कह रहा, उसी का जुमला उसी पे लगेगा, जैसे वो कहता था ना अच्छे दिन जनता कहती थी आने वाले हैं, आज मैं कहता हूँ चौकीदार ही चोर है, चौकीदार ही चोर है। तो क्या चाहते हैं अर्नब को, क्या चाहते हैं आप अर्नब से, चाहते क्या है? देखिए बीजेपी सरकार तो बताएगी नहीं, उसे किसी बॉम्बे महाराष्ट्र सरकार के हवाले करो, जितने भी उससे मिले हुए हैं सब सपोर्ट पोस्ट के नाम आ जाएंगे। और अगर वो केंद्र सरकार के हाथ आ गया तो एक का भी नाम नहीं आएगा और वो ऐसे गायब होगा जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर रोटी नमक पर एक पत्रकार, आज तक उसका पता नहीं है कहाँ है, उसने भी तो यही दिखाया था इसके ढोंगी बाबा के राज में कि मिड डे मील में रोटी नमक बट रहा है और बच्चों के हिसाब में खाते में लिखा जा रहा है दूध बट रहा है, अच्छा खाना दे रहे हैं, और उस पत्रकार ने इसकी हचकी का दिखाई थी, आज उस पत्रकार का पता नहीं है कहाँ गया, जिंदा भी है या मर गया। खुल के कहता हूँ क्यों, जब जब देश में आंदोलन हुए हैं क्रांतिकारी जेल गए हैं, जाना जब भी है, जाना फ्री आना फ्री, और जिस दिन ढोंगी बाबा की पुलिस पकड़ ले खाना फ्री।